जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। आज की डेट में हर किसी को लगता है कि भीड़ भाड़ से दूर, सिटी से कहीं बाहर, लेकिन अच्छे एक्सेसिबल लोकेशंस पे हमारा सेकेंड होम ज़रूर होना चाहिए। लेकिन सेकेंड होम के जिस तरीके से कॉन्सेप्ट आए ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, या तो फिर बाकी एमिनिटीज़ की वजह से थोड़े से मेंटेनेंस के लिए ना वो भारी हो जाता है। पर अभी ऐसा है कि कई जगह पे जो है ना, हमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पर अफोर्डेबल सेगमेंट में कम रेट में जो है आपका सेकेंड होम तो बन ही सकता है। लेकिन आसपास अगर आप यहीं से बिलोंग करते हो, जिस लोकेशन से मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, हालांकि आगे मैं बताता हूँ किस लोकेशन से शूट कर रहा हूँ, तो आपके लिए फर्स्ट होम भी हो सकता है। आज का ये जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कोलाड से। अब ये कोलाड आता कहाँ पे है, तो ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये इस तरफ जाता है मुंबई, और इस तरफ जाता है ये सीधा गोवा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मुंबई गोवा ये जो हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर जो है ये कोलाड लोकेशन आता है। एग्जैक्टली इसी हाईवे के सामने जो इस टावर के पास में कोलाड रेलवे स्टेशन है, और हाईवे के सामने इस तरफ जो है ये प्रोजेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अंचित कॉम्प्लेक्स। इस प्रोजेक्ट का जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, ओसी जो है इस प्रोजेक्ट की आ चुकी है। इस प्रोजेक्ट में हमें अफोर्डेबल सेगमेंट के 1BHK और 1RK के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। क्या प्राइस होगी, एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है, कितनी एक्सेसिबिलिटी इसको मिलेगी, मुंबई, नवी मुंबई और पनवेल से कितना डिस्टेंस आएगा, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी के लिए स्टेटस बताना चाहूँगा, ओसी जो है इस प्रोजेक्ट की आ चुकी है। नीचे की तरफ जो कमर्शियल्स है उसके लिए भी बिल्डर जो है इसके, उन्होंने अलग से प्लान किया हुआ है। तो बाकी की सारी डिस्कशन जो हम उनके साथ करने वाले हैं, और फिर जो हम फ्लैट वगैरह देखेंगे और प्राइसिंग भी आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है वो खुद हमसे बातचीत करने वाले, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डेवलप की है, तो डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो प्रशांत सर इस बार हमारे साथ। सर वेलकम टू चैनल। हाय। तो सर आप थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताइए, अपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो कुछ थॉट प्रोसेस रखा होगा कि क्यों करना चाहिए यहाँ पर प्रोजेक्ट। ये जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मुंबई गोवा हाईवे को टच है, एग्जैक्टली ये अपोजिट कोलार रेलवे स्टेशन है। करेक्ट। तो जो भी हमारे कॉमन मैन है, जो बजट फ्लैट लेने वाले है, उनके लिए हाईवे एक्सेसिबिलिटी और रेलवे स्टेशन नज़दीक होना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। क्योंकि लाइफ में काम करने के लिए, भागदौड़ी करने के लिए हाईवे और ट्रेन तो सही है, चाहिए चाहिए, तो फिर वो काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, बराबर। तो ये अपना पनवेल से कितना किलोमीटर आता है कोलर? ये 75 किलोमीटर आता है। 75 किलोमीटर आता है। तो सेकेंड होम के लिए, जैसा हमारा डिस्कशन भी पहले हो रहा था कि सेकेंड होम के लिए फिट है, तो आपको क्या लगता है आसपास किस रीजन से सेकेंड होम के लिए फिट हो सकता है? पिकनिक स्पॉट्स कौन से हैं यहाँ पे? रिवर राफ्टिंग है जो पूरे साल चलता है। हाँ, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। मैं जब इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कोलाड के बारे में, तो कोलाड इज़ बेसिकली नोन फॉर, फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलता है यहाँ। पूरे साल चलता है यहाँ पे। चलो बढ़िया बढ़िया। इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पे? वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी है, वाटर स्पोर्ट्स जैसे बंजी जंपिंग है, बाकी के बोट राइड्स वगैरह है। इसके अलावा पिकनिक स्पॉट्स यहाँ पे नज़दीक है, जैसा देवकुंड करके एक स्पॉट है यहाँ से 20 किलोमीटर के ऊपर, हरेरेश्वर है, दिवे आगार है, दापोली है, ये सब पिकनिक स्पॉट्स है। रायगढ़ फोर्ट है यहाँ से, रायगढ़ फोर्ट है। रिवर राफ्टिंग कितना किलोमीटर आता है अपने प्रोजेक्ट से? अपने ऐसे दो लोकेशन है रिवर राफ्टिंग के, एक 3 किलोमीटर के ऊपर है और एक 17 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है। और बाद में आपने वाटर स्पोर्ट्स का कुछ एक्टिविटी बोला, वो भी वहीं पे होती है? वहीं पे होती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई बंजी जंपिंग, बंजी जंपिंग का भी, ये भी वहीं पे? जी। ठीक है। और दिव्यागर कितना दूर है यहाँ से? दिव्यागर यहाँ से 42 किलोमीटर है। ठीक है। और रायगढ़ फोर्ट? 45 किलोमीटर। तो दोस्तों और एक आपके साथ सरप्राइज थोड़ा सा शेयर करने वाले हैं। ओसी आ चुकी है, लेकिन आप देखोगे कमर्शियल्स जो है ना वैसे ही रखे हुए, बिकॉज कमर्शियल का थोड़ा अलग से प्लान है। क्या करने वाले सर एग्जैक्टली आप? मेरा विजनरी के हिसाब से पनवेल से लेकर गोवा तक कोई भी ढंग का फूड आउटलेट नहीं होने की वजह से, प्रॉपर फूड आउटलेट जहाँ पे हम लोग फैमिली लेके जा सकते हैं और सब कुछ मिल सकता है एक ही जगह पे। तो मैं यहाँ पे पहला मुंबई गोवा हाईवे का फूड कोर्ट लेके आने वाला हूँ, और मेरे काफ़ी ब्रांड से बातें भी चल रही है, और जल्द 2-4 महीने में ये शुरू भी हो जाएगा। अच्छा। और ये मुंबई गोवा हाईवे का पहला फूड कोर्ट होगा? पहला फूड कोर्ट होगा। तो ऐसा ये कमर्शियल्स जो भी आप देख रहे हो ना, ये इसके लिए पेंडिंग रखे हैं। पेंडिंग मतलब अनफिनिश्ड है, बिकॉज जब भी फूड कोर्ट आएगा तो फिर से इसको थोड़ा सा है ना मॉडिफाई करना पड़ता है, लेआउट्स उनके हिसाब से बनेंगे। तो ये पूरा यहाँ पे फूड कोर्ट होने वाला है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ऑलरेडी पता है कि मुंबई गोवा ये जो हाईवे है ना, उसका काम चल रहा है, एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो सामने ये जो आप देख रहे हो ना, ये ड्रेनेज लाइन के लिए इन्होंने जो है अभी काम शुरू कर दिया। तो एक बार ड्रेनेज लाइन होगी, हाईवे एक्सपेंशन होंगे, तो ये जो प्रॉपर्टी वो हाईवे टच ऑलरेडी है,
ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हाईवे जाने वाला है, ऑलरेडी हाईवे के सामने ही है, और हाईवे एक्सपेंशन के बाद सर्विस रोड भी मिलेगा, यहाँ पे अच्छा पार्किंग भी मिलेगा। तो फूड कोर्ट का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इसके लिए कि हाईवे का एडवांटेज लिया जाए जी। जब हाईवे पे ही प्रोजेक्ट है, स्टेशन से करीब है, तो उसका एडवांटेज क्यों ना ले। तो स्टेशन पे उतर के भी आप एक 2 से 3 मिनट वॉक करके यहाँ पे पहुँच सकते, बाकी हाईवे से डायरेक्ट आ सकते, आसपास के लोकेशन जो है वो एक्सेस कर सकते, तो सेकेंड होम के लिए फिट होता है। और वैसे चार्जेस बहुत कम है यहाँ पे, रेट बहुत कम है, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में आ रहा है। पहले एक काम करते हैं, हम फ्लैट देखने चलते हैं, एक बार फ्लैट दिखा देता हूँ, फिर जो आपके साथ प्राइसिंग शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, अभी आपने फ्रंट साइड की तरफ जो है वो प्रॉपर्टी देखी थी, अब प्रॉपर्टी के जो है बैक साइड पर आया। बैक साइड में अच्छा क्या है कि इन्होंने पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। दूसरा पीछे की तरफ जो है आपको ऐसा व्यू मिलने वाला है, तो बैक साइड के भी जो फ्लैट है उसके विंडो से जो है ना ऐसा माउंटेन व्यू मिलने वाला है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं अच्छी ग्रीनरी है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले इसमें चलेंगे फ्रंट साइड में जो 1 BHK वो आपको दिखा देता हूँ, फिर एक आध जो है 1 RK भी दिखाऊंगा जो आपको ऐसे माउंटेन व्यू के साथ मिलेगा। अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो फिर अलग से एक 1 BHK दिखाऊंगा जो आगे के फेसिंग का होगा। चलिए फिर चलते हैं फ्लैट देखने के लिए। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे रुके हैं। फर्स्ट फ्लोर में जनरली क्या होता है कि बाहर की तरफ जो है बड़ी साइज़ की बालकनी हमें देखने मिलती है। हालांकि अभी के लिए मैं 1 BHK के लिविंग रूम में खड़ा हूँ। हम देख सकते हैं ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का जो है लिविंग रूम हमें देखने मिलता है, और एग्जैक्टली सामने की तरफ यहाँ पर आता है बड़ा सा फ्रेंच विंडो, और इस विंडो के बाहर जो है हमें स्पेशियस वाली बालकनी या फिर गैलरी हम कह सकते हैं वो देखने मिल जाती है। और यहाँ से जो है आपको ऐसा शानदार हाईवे व्यू मिलने वाला है। वैसे ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ये जो बालकनी या गैलरी हम कह रहे हैं वो जो है आपको इस तरफ भी देखने मिलेगी। तो आपका लिविंग रूम और बेडरूम जो है दोनों से भी आप जो है इतनी बड़ी गैलरी को वो एक्सेस कर सकते हैं। वैसे आपको जो है मैं अंदर लेके चलता हूँ, ये है हमारा बेडरूम वाला पार्ट। तो यहाँ से मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ये था हमारा यहाँ पर लिविंग रूम, सामने की तरफ आता है हमारा यहाँ पे फ्रेंच विंडो, उसके बाहर जो आएगा आपका टेरेस, और यहाँ से शुरू होगा आपका बेडरूम। तो अगेन बताना चाहूँगा, बेडरूम में आते हैं तो उसके बाहर जो है इतना स्पेशियस वाला बालकनी गैलरी हम कह सकते हैं वो देखने मिलता है। अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। तो लिविंग रूम से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो है एक बीच में हैंड वॉश देखने मिलता है, इसमें भी इन्होंने टाइल्स लगाया ताकि हाथ वाथ धोते हैं तो यहाँ पे कलर निकले नहीं। यहाँ से अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो आपका इंडिविजुअल शावर एरिया यहाँ पर देखने मिलता है, जिसमें अगर हम देखें तो बीम लेवल तक जो है पूरे वॉशरूम में इस शावर एरिया में जो है टिल बीम लेवल तक पूरी टाइल्स लगाई हुई है। तो इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें WC। तो WC का भी सेम कॉन्सेप्ट है, अप टू बीम लेवल तक जो है पूरी टाइल्स वगैरह लगी हुई है। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है स्पेशियस वाला किचन। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सामने की तरफ यहाँ पे टाइल्स देखने मिलती है, विंडो है, आप आपका एग्जॉस्ट फैन जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, और काफ़ी स्पेशियस वाला किचन जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है। तो ये था दोस्तों आपका 1 BHK स्पेशियस बालकनी के साथ में, गैलरी के साथ में। अब जो है हम चलते हैं आगे का यूनिट देखने के लिए। तो दोस्तों अभी जिस यूनिट में मैंने एंट्री ली है ये है हमारा 1 RK टेरेस। जी हाँ दोस्तों, 1 RK और 1 BHK आते हैं, लेकिन उसके बीच का एक सेगमेंट आता है जिसे कहा जाता है 1 RK टेरेस। एग्जैक्टली क्या सेगमेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है अब ये लिविंग रूम देख लीजिए, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का जो है लिविंग रूम देखने मिलता है। आपका पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो इस तरफ फिट हो सकता है, बाकी का सीटिंग एरिया जो है आप इस तरफ बना सकते हैं। यहाँ से जो है ऐसा विंडो देखने मिलता है, और इस विंडो से जो है ऐसा खूबसूरत व्यू इंजॉय करने मिलता है जो कि काफ़ी शानदार है। सेकेंड होम के पर्पज़ से अगर यहाँ पे आते हैं और आपको थोड़ा शांति पसंद है और ऐसी ग्रीनरी पसंद है तो डेफिनेटली ये जो है आपको काफ़ी अच्छा फील गुड फैक्टर देने वाला है। वैसे लिविंग रूम से हम चलते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे पहले हमें देखने मिलता है हमारा शावर एरिया, सेम अगेन बीम लेवल तक जो है टाइलिंग इसमें यूज़ हुई है। यहाँ पे जो आपका मिक्सर आएगा, डाइवर्टर्स आएंगे, गर्म या ठंडा पानी जो आपको मिक्स करना है वो। इसके आगे यहाँ पर जो है आता है हमारा इंडिविजुअल WC। तो इसमें भी वैसा ही है, टाइलिंग जो है अप टू बीम लेवल तक आई है। और ये जो पैसेज है इससे अगर मैं इस तरफ एंटर करता हूँ तो यहाँ से हमें देखने मिलता है हमारा किचन एरिया। तो ये जो है पूरा किचन प्लेटफॉर्म हम देख सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, वैसे एग्जॉस्ट फैन का भी स्पेस दिया हुआ है,
टाइलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर दी है और काफ़ी सारा स्पेस हमारे पास बचता है जहाँ पर हम हमारा रेफ्रिजरेटर पे रख सकते हैं और बाकी का स्टोरेज भी यहाँ पर बना सकते हैं। और इसके अलावा इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ फिर भी काफ़ी सारा स्पेस जो है बच जाता है, तो स्पेशियस वाला किचन यहाँ पे देखने मिलता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेरेस की ओर। तो ऐसा टेरेस हमें यहाँ पर देखने मिलता है, ये जो है बकायदा आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करके आता है 1RK के साथ में। ये टेरेस आपका प्राइवेट होगा, सोसाइटी का नहीं होगा। तो ये 1RK टेरेस का जो है वो सेगमेंट हमें देखने मिलता है और इस टेरेस से जो है आप ओपन टू स्काई इंजॉय कर सकते हैं, डाइनिंग ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं। वैसे यहाँ से अगर हम बाहर की तरफ देखें तो डेफिनेटली जो है व्यू हमने लिविंग रूम से देखा था उसी व्यू का जो है वाइड एंगल यहाँ से देखने मिलता है, बिकॉज यहाँ पर कोई विंडो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, जिस वजह से आपका व्यू कट हो। तो 1RK और 1BHK के बीच का जो है ये सेगमेंट आता है जिसे कहा जाता है 1RK टेरेस। वैसे 1BHK अगर हम देखते हैं तो सेम ही साइज़ का होता है, इस टेरेस के जगह पे सिर्फ जो ऊपर स्लैब को होता है कवर्ड होता है और उसे कहा जाता है 1BHK। तो दोस्तों 1RK टेरेस मैंने आपको दिखाया था, एग्जैक्टली उसके नीचे का जो है 1BHK बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लेआउट समझ में आए इसलिए, लेकिन ये जो है होने वाला क्विक व्यू। तो 1BHK का जो लिविंग रूम है उसके बाहर जो है छोटा सा हमें बालकनी देखने मिलता है जहाँ पर आप खड़े रह सकते हैं, चार लोग आराम से यहाँ पर अपना सीटिंग बना सकते हैं और सामने से ऐसा जो है ओपन व्यू देखने मिलने वाला है। लेआउट जो एग्जैक्टली जो 1RK टेरेस का था वैसा ही है। हैंड वॉश अगेन यहाँ पर देखने मिलता है, इस तरफ आता है हमारा शावर एरिया, इस तरफ आता है हमारा WC एरिया और एग्जैक्टली इसके सामने फिर से जो है स्पेशियस वाला किचन हमें देखने मिलता है, जिसमें दोनों साइड की तरफ जो है यहाँ पर हम स्टोरेज भी बना सकते हैं, रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हैं। लिविंग रूम, शावर एरिया, WC, किचन, बीच में जो है ये स्पेस और यहाँ से आगे एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पर जो है हमें स्पेशियस वाला बेडरूम देखने मिलता है। उसके बाहर भी ऐसी जो है बालकनी देखने हमें मिलती है, प्राइवेसी भी मेंटेन होती है और यहाँ पर अगर बैठना है इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है तो एकदम जो है फील गुड फैक्टर यहाँ से देखने मिलता है, बिकॉज व्यू जो है यहाँ से काफ़ी खूबसूरत देखने मिलता है। तो दोस्तों वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी जो है 1RK का क्विक व्यू जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो है 1RK का लिविंग रूम है, रेक्टेंगुलर शेप का, बाहर की तरफ सामने इधर जो है विंडो आती है। इस तरफ हम देखते हैं तो इंडिविजुअल आपका WC और शावर एरिया आता है और यहाँ से अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो स्पेशियस वाला जो है किचन हमें यहाँ पर देखने मिलता है। आपका 1BHK हो, 1RK हो या फिर 1RK टेरेस हो, सभी में जो है आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, सिर्फ साइज जो है प्लस माइनस होगा या फिर बेडरूम या फिर टेरेस जो है वो प्लस माइनस होगा, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सभी में सेम है, बाकी की क्वालिटी भी सेम है, सिर्फ जो है साइजेस का फ़र्क है। तो दोस्तों ऐसा है 1RK, 1BHK और 1RK टेरेस आपको मैंने सारे दिखा दिए। प्रशांत सर है फिर से हमारे साथ, सर थोड़ा लीगलिटी के ऊपर कुछ बताइए। जी ज़रूर ज़रूर, ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा रजिस्टर्ड है, कलेक्टर सैंक्शन है और SBI प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है और भी काफ़ी नेशनल बैंकों ने ये प्रोजेक्ट को अप्रूव किया हुआ है। तो चॉइसेबल बैंक है, उनका अपना बैंक चॉइस करना होगा, कस्टमर अपने चॉइस से बैंक से लोन ले सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोजेक्ट की OC आ गई इसलिए GST नहीं लगेगा और स्टार्टिंग रेंज जो हमारी है वन रूम किचन की वो 11,40,000 रुपया है, 1BHK जो है वो 19,25,000 रुपया है और वन रूम किचन में जो टेरेस है वो 16,00,000 में आपको आ जाएगा, तो इसमें टैक्सेस रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्राइसिंग है ये अप्रॉक्स है, साइट विजिट करोगे, पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली शायद से कोटेशन प्लस माइनस होगा, बिकॉज साइज बड़ा छोटा हो सकता है। 11,40,000 से 1RK शुरू होता है, 16,00,000 रुपये से 1RK टेरेस शुरू होता है और 19,25,000 रुपये से 1BHK शुरू होता है। गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो अलग से प्लस होंगे, वैसे वो कुछ ज़्यादा होने वाले नहीं है क्योंकि OC आ चुकी है, इमीडिएट पोजीशन अवेलेबल है, तो सिर्फ आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के पैसे भरने हैं। तो दोस्तों ऐसा है, प्राइसिंग जो है प्रशांत सर ने हमारे साथ तो ऑलरेडी शेयर कर दी है लेकिन सरप्राइज जो है अभी भी उन्होंने अपने पास ही रखा है, तो सर आप सरप्राइज बता दीजिए एक बार प्राइसिंग के बाद का। सरप्राइज ये है कि हम लोग वन रूम किचन के लिए 2 साल के लिए पर मंथ 4,000 रुपये देंगे रेंट, एश्योर्ड रेंट रहेगा, और 1BHK के लिए 6,000 देंगे 2 साल के लिए, ये एश्योर्ड रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है अगर आप 1RK बाय करते हो तो काफ़ी लोगों का ऐसा है कि अभी ले लेते हैं लेकिन 2 साल के बाद का उनका कुछ प्लानिंग होगा या 1 साल के बाद का होगा, तो उस केस में क्या होता है आप प्रॉपर्टी लेने के बाद एश्योर्ड रेंट मिलेगा 2 साल तक, वो होगा 1RK के लिए 4,000 रुपया और 1BHK के लिए 6,000 रुपया। तो आप कोई भी केस में लीजिए, कैसे भी लीजिए, ओन कंट्रीब्यूशन से लीजिए या लोन करवा के लीजिए, उसका रेंट के साथ कोई कंसर्न नहीं है। रेंट या फिर आप रहने भी आओगे तो भी जो है बाय डिफॉल्ट जो है ये 2 टाइप के रेंट मिलेंगे, 1RK के लिए 4,000 रुपया मिलेगा और 1BHK के लिए 6,000 रुपया मिलेगा अगले 2 साल तक।
एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्रशांत सर ने मेरे साथ शेयर की थी कि फूड कोर्ट तो आने वाला है, साथ ही साथ वो जो है चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे बनाने वाले, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है सर? वो कस्टमर्स को 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, जब भी चाहिए वो व्हीकल उनकी चार्जिंग कर सकते हैं। हाँ, तो अगर सोसाइटी के मेंबर्स है या फिर यहाँ पे जो रहने वाले वो तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फूड कोर्ट के लिए जो लोग आएंगे उनको भी यहाँ पे एक स्पॉट मिलेगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि व्हीकल्स तो फ्यूचर में बढ़ने वाली इलेक्ट्रिक, तो उनको चार्जिंग के लिए भी स्टॉप लेना पड़ेगा, उस वजह से जो है वॉकिंग्स भी यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो ऐसा है कि स्क्रीन के ऊपर जैसे हम हमेशा करते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का नंबर देते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर पॉपअप हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमने मिस की वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, PDF मंगवा सकते हैं, साइट विजिट जो है आपका प्लान कर सकते हैं। और साइट विजिट के लिए इनका असिस्टेंसी भी है, अगर आप नवी मुंबई से, मुंबई से कहीं से आ रहे हो तो अगर कॉल करोगे तो उसके लिए असिस्टेंसी भी जो है वो नवी मुंबई से प्रोवाइड करते हैं। तो प्रशांत सर थैंक यू सो मच हमें इन्वाइट करने के लिए। वेलकम दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, बिकॉज इस बार जो है अफोर्डेबल सेगमेंट का सेकेंड होम और फर्स्ट होम का जो है कॉन्सेप्ट का प्रॉपर्टी आपके साथ मैंने शेयर किया है। आपसे मैं मिलते ही रहूँगा ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।